दिस व्लॉग इज फॉर बिगनर्स। हमारी चची है तो वो इतने सुर लगाए के पार्ट भी हमारे मुंह पर। अपने आवाज को इग्नोर करना, वैसे भी फटी हुई आवाज है लेकिन फिर भी आपने इग्नोर करना है। माल्टा चिलिया तेलून कोई ना, अलग साउंड आता है और यहाँ पर अलग। ठीक है, ढोल की अच्छे से कसी होनी चाहिए। हाँ, एक्चुअली पहले मैं ढोल हुआ नहीं करती थी, पहले मैं ढोल हुआ फिर बाद में ढोल बन गई। ऐसा बच्चा है ना, उसे उठा के डस्टबिन में डाल दो। मित्राना शुरू होता है तो कैसा होता है। एक इम्पोर्टेंट मैसेज है जो एक्सपर्ट्स है ना ढोल की बजाने में, काइंडली प्लीज प्लीज वो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। वेलकम टू माय व्लॉग। तो जी, करते हैं अपने व्लॉग का स्टार्ट और आज हम आप लोगों को सिखाएंगे हाउ टू बीट ढोलक। वैसे तो इतनी परफेक्टली हमें आती नहीं, पर माड़ी मोटी हम सिखा रहे हैं। नहीं अभी रुको, हम व्लॉग बना रहे हैं, देखें। चलो सबा बताओ, यहाँ पे कितने स्टेप मारने और वहाँ पे कितने स्टेप। यहाँ पे था 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 था। हमारी स्थानीय हमारी चची है तो उन्होंने हमें ठीक से सिखाई नहीं थी, हमने यूट्यूब से ही सीखी है। दिस व्लॉग इज फॉर बिगनर्स, जस्ट फॉर बिगनर्स। ये जो है ना, ये सेंटर एरिया बेसिकली ये और ये टू साउंड निकालते हैं। हाँ, यहाँ पर अलग साउंड आता है और यहाँ पर अलग। ठीक है, हाँ ये हमारी दुबई से आई है ढोलकी। ये देखें, एक, अरे ऐसा बच्चा है ना, उसे उठा के डस्टबिन में डाल दो। ठीक है, चलो दो इधर मार दे, एक इधर। हाँ चलो जी, ये होगी साउंड नंबर वन। अब हम आप लोगों को साउंड नंबर टू भी सिखाते हैं। चुप करना, हाँ बताते हैं जब कौमी तराना शुरू होता है तो कैसा साउंड आता है। अच्छा सबा, वो आपने एक और साउंड बताना था जो फिंगर्स के साथ आप बताती हो। हाँ प्लीज। देखो वैसे तो मैं प्रो गिटार नहीं हूँ, क्लासिकल नहीं हूँ। एक इधर तीन इधर। कि कोई एक्सपर्ट हुआ ना, उन्हें ब्लॉग से निकल के मैं चपेड़े मारनी है कि तुम लोग क्या बेड़ा गेट कर रहे हो। कोई मेरे शोहर को बताया उसको कितनी सिंगल वाइफ मिली है, प्रोफेशनली पर्सनली ढोलफुली ढोल। एक्चुअली पहले मैं ढोल हुआ नहीं करती थी, पहले मैं ढोल हुआ फिर बाद में ढोल बन गई। अच्छा जी, एक इम्पोर्टेंट मैसेज है जो कि मैं, ऐसा बच्चा कोई वीडियो में आ जाए ना तो उसको भी पकड़ के ऐसे ऐसे बजा ना मेरी जान। ये देखे मासी की जान। अच्छा जी, मैं ये कहना चाह रही थी जो एक्सपर्ट्स है ना ढोलकी बजाने में, सबा सबर कर दो, तुम्हारा ढोलक पुनः जा ही नहीं रहा, अंदर से रुक जाओ। जो एक्सपर्ट्स है ना ढोलकी बजाने में, काइंडली प्लीज़ प्लीज़ वो मेरे व्लॉग से दूर रहे, वो भी खराब हो जाएंगे। देखना चाहते हैं तो उन्हें हमारे घर का एड्रेस कहीं से भी पता ना चले, वो आके चपेड़े मार के। इसलिए तो मैं अपने घर बाहर से नहीं दिखाती। ढोलकी सीखने की सबसे खास बात ये है कि जब आपको आ जाती तो आपके वो हाथ ऑटोमेटिकली चाहे वो आप बर्तन धो रहे हैं, जहां भी बैठे हो वहां पर आप टप 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 जैसे डांस आ जाए तो आप बैठे बैठे सोफे पे हिलना शुरू कर देते। अच्छा सबा प्लीज एक ना गाना ही सुना दे, साथ साथ ने ढोलकी बजानी है ताकि मेरे व्यूअर्स को पता चल जाए कि वाकई हम सीख रहे हैं या सीख चुके हैं। वैसे हमारे गले फट चुके हैं रात को सुर लगा के, वो इतने सुर लगाए कि फट गए हमारे मुंह पर। गाना। अच्छा अब हम आप लोगों को ना एक गाना गा के सुनाएंगे, इस पे आपने आवाज़ को इग्नोर करना, वैसे भी फटी हुई आवाज़ है लेकिन फिर भी आपने इग्नोर करना है। माल्टा चिलिया तेलून कोई ना, कर बैठिया सकून कोई ना, पर जाई नू आके कपड़े धो दे, जवाब मिलिया सबून कोई ना, मेरे
बीट है जो हम आपको सिखाने लगे हैं। हम खुद सीखने जाएंगे। आप लोग भी कहते हो नहीं इस बाजी को अचानक क्या हो गया, अच्छे खासे व्लॉग बनाती है तो ये पागलों वाली हरकतें कर रही है। तो बहनों के साथ मिलके थोड़ा सा तो ऐसे हो ही जाता है। खैर ये जस्ट फन व्लॉग था आप लोगों के लिए मैंने बनाया। अच्छा जी इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत सारा प्यार है, अल्लाह हाफिज़।